गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस बस आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों यार, बस अभी रुकी हुई है। 3-4 दिन हो गए आ ही नहीं रही, पता नहीं यार। अगर बारिश आई ना तो हमको तो फायदा है ना, तो इसलिए मैंने बारिश के ऊपर एक निबंध लिखा, मतलब गाना लिखा है। और आज वो लोग मैं लोग खासे खासे गाने ही सुनाई देंगे। वो गाना क्या पता है, आज बेवजह से ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर दिया बारिश, बेदर दिया ओ बेदर दिया बारिश, बेदर दिया ओ। गाइस ये किस लिए पता है, क्योंकि अगर एक बार आ जाए तो रिश्ता खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पानी की जरूरत इतनी है ना ढोल में। ये तो मजाक करते रहते गाइस, इतनी क्यों जरूरत है, बाद में ट्यूबवेल का पानी कहाँ से आएगा, बार बार हल खड़ेंगे तभी तो अब होगी, वरना कोई बात नहीं गाइस। अभी एक बार आ जाए बाद में हल भी खड़ देंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। सो आगे आगे क्या है पता है आपको, मैं हूँ आगे 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 गाइस, कुछ भी नहीं है आगे। क्या है बता दूँ कि आगे आज मैं लगभग 100 मिनट पढ़ चुका हूँ, क्योंकि 3 घंटे पढ़ना है हमको, तो 100 मिनट पढ़ चुका हूँ। 3 घंटे में 180 मिनट ही होते लगभग। ये मेरे को गुणा इतना ही आता है, गुणा पता नहीं क्या है लेकिन गणित इतनी आती है। तो 180 मिनट में से मैं 100 मिनट तो पढ़ चुका हूँ, अभी पढ़ना है सिर्फ 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है 1 घंटा 20 मिनट पढ़ते हैं और बाद में बातचीत करेंगे। मैंने 1 घंटा 20 मिनट में लगातार लगा रहूँगा पढ़ने के लिए। तो अभी आगे पढ़कर क्या सीखना है देखेंगे। और मैं अभी तक खोखे खा रहा हूँ, खोखे नीट ही नहीं रहे, क्योंकि खोखे मैं बहुत ज़्यादा लगा लगा इस कैसे नीटेंगे। तो अभी सीधा ही 1-1.5 घंटा पढ़ के मिलते हैं। और अगर आज रामा गया ना खेलने के लिए क्रिकेट, तो आज मैं भी जाऊँगा और लगभग मोबाइल साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि अगर मोबाइल लेके गया ना तो फिर आपको तो ये ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये मेरे आपको पता है पट्टी क्यों की है, ये कल परसों मेरे पहले लग गई थी और कल हॉस्पिटल गए थे, तो इसलिए मैंने पट्टी भी करवा ली। और वो कहाँ पे था ना, क्या था ना पता है आपको, कि देखो ये वो है ना ठप्पा जिससे हमने खाया था, वो ब्रेकफास्ट किया था तभी। अभी ये देखो यही है ना ब्रेकफास्ट, गया भाई नीचे गया रे। गाइस मैंने 1.5 घंटा पढ़ भी लिया है और अभी तक हल नहीं खड़ा, तो कुछ हालत इस प्रकार से हुई है। ये देखो शून्य पूरा ग्रीन सा हो चुका है, ये देखो यहाँ पे दो बन चुकी पूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाटा निकाला था अभी, यहाँ पे बाजरी है बहुत ज़्यादा इसलिए उग चुके पूरा। भाई ये देखो इधर तो सबसे ज़्यादा ग्रीन है, ये देखो डोगी किया देखो पूरा ग्रीन है भाई, वाह बहुत ही मस्त सीन आ रहा है, कुतिया तो भग रहा है। सो अभी रामा रेडी हो रहा है, रामा रेडी होने के बाद जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, लगभग मोबाइल लेके साथ में जाएंगे। तो अगर जाएंगे तो बना देंगे, वरना नहीं बनाएंगे वापस आकर ही बनाएंगे। सो गाइस अभी तो ये देख सकते हो आपने पर देख लिया होगा सीन, अभी मैं रामा रेडी हो रहा है और बाद में हम चलेंगे क्या वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। अगर सच में मुंबई साथ में ले गए तो मैं बना दूंगा, बहुत ज़्यादा बनूंगा वहाँ पे जाने बनाने में, मतलब थोड़ी सी शर्म तो होगी क्योंकि कल और मैंने ज़्यादा नहीं बना, थोड़ा शर्म में नहीं बना था, मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैंने को शर्म आ रही थी, मेरे को अभी शर्म आ रही है क्योंकि मैं अकेला हूँ, मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया इसलिए मेरे शर्म आ रही है। सो गाइस अभी गए वो वहाँ पे पता है आपको, ये एक खड़ी यहाँ पे, दूसरी खड़ी वो वहाँ पे, तीसरी खड़ी है यहाँ पे, तीनों अलग अलग जगह पे गाइस अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये देखो इधर खेल रहे हैं, ये मैं राम सक्सन, ये देखो राम है वहाँ पे खड़ा है, और इधर गई है ये यहाँ पे। मैं 5-7 में तो नहीं लाया था लेकिन मैं क्या कर रहा था पता है, ये मैं राम सक्सन के फोन से बना रहा हूँ, बोल आउट हो गए और करने के लिए अभी मेरे सामने ही देख रहा है कि मेरे फोन से बना रहा है सर डाली गेंद, वो बड़ा यूर कर रहे हो
मिस फील्डिंग, चार रन गए, चौका हो गया भाई। मिस फील्डिंग के चलते चार रन हो गए यहाँ पे। ये देखो दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका है गाइस, ये लो जीत चुका है। ये लास्ट मैच है, ये पांचवा मैच है। एक हम जीते, चार पांच रन से जीते, ठीक है। अभी और ये अगली गेंद इसे, और ये ओह फिर से डॉ के रामा तीन बो मोटर उतार दिए। मैंने डपा को तारा दिवे नो बाइड यू कैन हो तो ओ दिवे। गाइस अभी पहुंच चुके हैं और हवा बज रही है यहां पे, और हमने नाइट शूट कर ली। बंडा क्या शूट किया हमने? एक स्वाइड, एक ही शूट किया गाइस, एक ही बड़ा बन के गाइस करके बड़ा बन के दिखा, बड़ा बन के दिखाओ गाइस को। गाइस डर बहुत लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पीछे रख के, थोड़ा कैमरा पीछे, थोड़ा इधर रख। हां कोई कर, अब कर, तू सही नहीं कर रहा है, रील की तरह कर रहा है। बीच में ला या एकदम यहाँ पर दे, ऊपर ऊपर देगा ऐसे। ये देखो ये गाइस, प्रदीप डर गया। और गाइस ये पता नहीं कौन है लड़का, गाइस इधर करना प्रदीप। गाइस ये बीच में आ रहा है, पता नहीं यहाँ पे आके ऐसे कर रहा है। ये मेरे व्लॉग में क्यों आ रहा है गाइस? ये इसको मैंने मना कर दिया कि मेरे व्लॉग मत आया कर, लेकिन आकर गाइस शर्म नहीं है, शर्म क्या हुआ है? रील में भी नहीं लेते और न धोनी व्लॉग में लेते हैं, मेरे कभी नहीं लेता। गाइस ये एक लड़का है, इसको बहुत दिन हो गए। ये इसको क्या है, इसके सामने करना नहीं कर साड़ा। गाइस बहुत दिन हो गए, प्रदीप को रील में नहीं लिया, तो ये मेरे को हटाओ है। हां तेरा आ रहा है गाइस, ये बहुत क्यूट क्यूट लड़का है। फोटो आवे और ये आकर ले मेरे, ये मेरा भाई भी है। ये बहुत क्या कहते हैं केला है। गाइस अभी नीचे आ चुका है, ये खा रहे खाना। हाँ तो क्या करूँ मैं, तो गाइस गाइस क्या करे, गाइस क्या करे, तो फिर हम खाना खा रहे तो गाइस क्या करे, खाना खा रहे तो गाइस को करना क्या है। गाइस भाई बाहर चलते हैं, आज फ्लैश लाइट लेके बाहर। देखो फ्लैश से बाहर का नज़ारा ऐसा दिखता है ना, ये खेजड़ी, ये इतने सारे आपको धूल उड़ रही है ना, ये सब कुछ दिख रहा है। ये साइड टांका है सब, ये रात को अलग ही दिखता है गाइस। भाई पूरा चांदना हो रहा है वहाँ तक पूरा चांदना हो रहा है, ये देखो। और मेरा मुंह कैसा हो रहा है ना, तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर चौके से नीचे गिर जाऊँ ना तो ऐसी हो जाएगी भाई, तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई इस प्लेस से। गाइस गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, और अंदर रखकर बैठ चुका हूँ। और आज मैंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की, आज क्रिकेट खेलने गए तभी, तो मतलब एक ऐसा कैंस आया, तो मैंने ये मान लो मेरा पैर है, मैंने इसे हटा लो, ठीक है इसे हटा लो। और वो कैंस मैंने पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की आज मैंने। और हमारी खेलने की बारी हुई, वो आपको तो पता ही है कि कैंच छिटक गया था। और आज मैं आज अभी इंडिया खेल रही गाइस, इंडिया आपको चाहिए कितने रन पता है? इंडिया को 464 रन चाहिए और इंडिया के अभी 70-75 रन है। तो अभी क्या सीन है पता है? एक आउट हो चुका सुमन गिल, कैमरन ग्रीन ने कैच किया था, मतलब कैच मिस तो हो गया था गाइस, बॉल नीचे टकर गई, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट किया। एम्पायर साढ़े इंडिया के सपोर्ट में नहीं है गाइस, इसलिए एम्पायर वहाँ के होंगे इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। एम्पायर तो पता नहीं, वो यार दिख रहा था कि टकर गया लेकिन नहीं माना। और अभी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली खेल रहे हैं, तो अगर ये दोनों कल तक टिके रहे तो बना देंगे रन। तो यार क्या अभी अगर 200 के पार कर दिए तो कल तो बहुत टाइम है ना, 3 बजे से 10 बजे तक बना देंगे यार। इंडिया पे विश्वास है, अगर आउट हुए तो फिर आपको तो पता ही है क्या हो जाएगा। तो एलेक्स करी ने ठोके कितने रन पता है? 66। और मिचल स्टार्क ने 44 रन ठोक दिए भाई, सिराज ने और विकेट तो ले लिया, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं कौन जीतती है, इंडिया जीतेगी तो बहुत शांति मिलेगी, वरना थोड़ी जलन होगी। और देखिए, और गाइज मैं क्या बताना चाह रहा था, आज मैंने 3 रन बनाए गाइस, 3 रन बनाए, उसके लिए मैंने पहला दिन लिया और 3 रन बना दिए। तो ये सोचता ये देखो गर्मी और ही बहुत ज़्यादा पसीन आ रहा है, तो भी मैं भी बाहर जाऊँगा घर मजी करने के लिए, रानी के पास बैठ। गाइज आज के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय। कल वाला ब्लॉग मैं, कल वाला ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं कल वाला ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा, फिर स्टार्ट करूँगा सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करूँगा यार, क्योंकि कल तो थका हुआ था इसलिए नहीं उठ सका, इसलिए। तो बाय।